ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐ ਸ਼ਰਿਆ ਬੇਟਾ ਤੋ ਬੋਲਿਓ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਾਲੂ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਨਾ ਪੜ ਜਿਓ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਔਰ ਕਰਿਓ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਮੇਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਿਓ ਇਨ ਸਾਰੋ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਤੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੋ ਤੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਐਸ਼ੋ ਬੇਟਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਦੇ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਫੋਨ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਇਸ ਦਾ ਬਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫੋਰ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ तो मेरे प्रोजेक्ट की टीम को अंबाला के मिस्टर गोयल साहब ने ज्वाइन किया। अब सारी दुनिया जानती है कि अंबाला की आड़त मोहल्ले की गलियों में बच्चे 7 साल की उम्र से ना गुटखा खाने लगते हैं। रात भर गुटखा होता है ना कदमों में दुनिया क्या उसका ऐड है वो ज्यादा से करती है। तो रात अब जो बंदा 7 साल से रात भर गुटखा खा रहा है 30 साल की उम्र तक आते आते उसके दांत ना सुनो शौचालय की तरह हो जाता है। कलर तो सेम है ही कितना ही भी रगड़ो भिजो उसका कुछ होना नहीं। अब ये गोयल साहब अंबाला के हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 16-16 घंटे काम करते हैं छोले भटूरे खाते नाश्ते में और पेट भी इधर है और ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी मर्द के शरीर पे बाल हुआ करता होते। ये बंदा आया वहां पे मैंने इसको प्रोजेक्ट का सारा काम समझाया सो इट वाज हिज फर्स्ट टाइम इन अमेरिका सो आई टोल्ड हिम यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस आई वांट टू मेक हिम कंफर्टेबल। कहता संजय सर एक बात बताओ। मैंने क्या कहता कि जब कोई बंदी यहाँ पे मेरे को अप्रोच करेगी तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो फ्री में आ रही है डॉलर लेके। इट इज नॉट इवन अ मैटर ऑफ इफ अ बंदी अप्रोचेस मी है इट इज अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन जब भी ऐसा होगा तो मैं कैसे करूंगा भाई। वहां पे तो यार कैलिफोर्निया में तो आप वॉक कर रहे हो वहां पे जाके अक्सर ऐसा होता है कि आप जा रहे हो सामने से एक औरत कुत्ता घुमाते हुए आ रही है आपकी आंखें उससे मिलनी दे स्माइल एंड से हेलो एंड यू से हेलो। शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि खासतौर पर दिल्ली वालों को और जाटों को तमीज ही नहीं है पोलाइटनेस की आदत ही नहीं है कैसे कोई कैसे खाऊंगा अजनबी हेलो बोल रहा है। लेकिन उसका रीजन है मौसम वहां का मौसम बहुत बढ़िया है मौसम इतना अच्छा है कि आप जनरली खुशी रहते हो लाइफ के अंदर एवरीबडी स्माइलिंग। इमेजिन करो दिल्ली में जून की दोपहरी में आप निकल गए इस बार की गर्मी सब जानते हैं 16-16 घंटे लाइट नहीं आई और सामने से कोई आ रहा है उससे आपने टाइम पूछ रहे हैं टाइम क्या लग रहा है आप फोड़ दो नहीं टाइम पूछ रहा है तेरे बाप ने घड़ी खरीद के नहीं दी एक अच्छी खासी लड़की शादी होते ही सडनली दशहरे की झांकी बन जाती है कि जो बंदी आराम से आपको प्रेजेंट लगती थी देखने में वो सडनली आप उसकी तरफ देखो तो एक चमकीली सी भयंकर घंघोर साड़ी एक मंगलसूत्र एक सिंदूर और चूड़े घोड़े पहन के वहां पे झांकी बन के निकल रही है वहां पे। और कुछ ऐसे नजारे होते हैं जिनको देख के सबकॉन्शियस माइंड ना अपने आप ही चिल्लाने लगता है नहीं नहीं इट्स इनवोलंटरी इट्स नॉट एन एक्शन दैट यू चूज टू यू नो डू वो अपने आप नहीं 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 तो ऐसे ही कुछ था उनको देखने के बाद। अब क्या होता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर की लड़कियां फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट अस मेक एन अजम्पशन दैट लाइक 5 सॉफ्टवेयर चिक्स हैव गॉटन मैरिड इन जनवरी ठीक है सो बाय द टाइम इट्स मे ऑल ऑफ देम आर विजिबली प्रेग्नेंट visibly you know what I'm saying visibly pregnant so the groundwork started immediately after marriage now we are visibly pregnant they come up with a new idea yaar ajeeb se hamit karti hai ki ye suddenly 5 pregnant women imagine this scene wo apna
वो पेट से तो पता चल रहा है क्या हुआ क्या है, उसके ऊपर ना चुन्नी डाल देते हैं, चुन्नी से ढक देते हैं उसको, हमने कुछ नहीं किया। पांच बंदियां एक साथ जो जनवरी में शादी हुई थी, मई में विजिबली प्रेग्नेंट है, वो चुन्नी डाल के ना आपस में खड़े होके बात कर रहे, सच्ची क्या कर रहे हो, दिक्कत हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन भी खराब करना अपने को। तो पांच बंदियां चुन्नी पेट पे डाल के आराम से खड़े हुए बात करी, बस देख ही हंसते ही लिया, मैंने कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन हमारे ऑफिस में एक बड़ा फनी सा ट्रेडिशन है, जब भी किसी के बच्चा होता है ना तो एक ईमेल जाती है पूरे ऑफिस को एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, कांग्रेचुलेशंस टू प्राउड पेरेंट्स आशीष एंड प्रज्ञा हैव बीन ब्लेस्ड बाय अ बेबी बॉय, दिस इज सितंबर नाउ बिकॉज़ दे गॉट मैरिड इन जनवरी, ओके, एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस ईमेल। सबसे पहली बात किस बात की कांग्रेचुलेशन दे दो यार, कि तुम प्रोक्रिएट कर दो, कांग्रेचुलेशंस यू आर प्रोक्रिएटिंग। हमारी पॉपुलेशन पता है ना हमें, वी डोंट नीड टू कांग्रेचुलेट फॉर दैट, एंड व्हाट आर यू प्राउड अबाउट, कि प्राउड पेरेंट, व्हाट आर यू प्राउड अबाउट, अभी तो बच्चा पैदा हुआ, तुम सब अभी से प्राउड फील कर रहे हो, कल वो नाक कटवा दी तो, और यहां तो नाक यूं ही कट जाती है, आपने दूसरी कास्ट में शादी कर ली, पेरेंट्स ही नाक कट ली, अभी से प्राउड कैसे फील कर रहे हो। एंड दे हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय का मतलब क्या है, जब बेबी बॉय तुम्हारे पेट में था तो तुम चुन्नी से छुपा रहे थे उसको, अब वो ब्लेस्ड ब्लेसिंग है। तो बच्चे पैदा करना इज पवित्र, सेक्स करना इज बुरा, उसको छुपा के करना। तो ये होता है सॉवरेनिटी कंपनीज के अंदर। अच्छा, बात को थोड़ा आगे बढ़ाती है, दशहरे की झांकी पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हम लोग अपने अपने औरतों को ना अजीब बना देते हैं शादी के बाद, जैसे कि मैंने कहीं बयान किया था, ये चूड़ा उड़ा और ये सब एक्सेसरीज पहन के झांकी ज्यादा लग रही। कुछ साल पहले मैंने भी शादी करने की सोची थी, क्योंकि वैसे तो कोई लव मैरिज तो हो नहीं सकती ऐसे, जैसे कि एविडेंट है, अगर कोई गो टू द कन्वेंशनल वे बिकॉज हिंदुस्तान में किसी कुछ और हो या ना हो शादी सबकी हो जाती है। तो भारत matrimony.com पे मैंने एक प्रोफाइल बना के अपना डाल दिया, कुछ दिनों के बाद प्रोस्पेक्टिव मैचेस के वो आने लग गए, लेटर्स आने लगे। तो उनके उसमें एक होता है कि अबाउट मी, एक होता है अबाउट आप में से आप कौन है जो शादी करने की ट्राई कर रहा है, भारत मैट्रिमोनी में कोई है यहाँ पे, कौन कौन आप कर रहे हो, आप तो लिख रहे हो ना गुड मिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनल वैल्यूज, बंदे भी लिखते हैं व्हाट अ गुड मिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनल वैल्यूज। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले ना एक ऐसी मजेदार घटना हुई जिससे मुझे इसका मतलब समझ में आया कि होता क्या है कि जब भी ये अर्बन MBA और MCA और इंजीनियर जब शादी करते हैं, शादी करने के बाद एज अ रूल दे गो टू हनीमून, होकर दे हनीमून टू थाईलैंड, इट्स अ रूल, वहीं जाते हैं। और जो बंदा है ना वो शादी से पहले भी थाईलैंड जाता है, वो भी रूल है। लेकिन इस वजह से शांति नहीं पड़ती कि हमने शादी करके थाईलैंड चले गए, हनीमून मना लिया, वो क्या करते हैं, हमने हनीमून का फोटो खींच खींच के ना फेसबुक पे लगाते हैं, हनीमून 1, हनीमून 2, पटाया 1, पटाया 2, वो फोटो भेजते हैं, देखो इनको। और वो फोटो में क्या सकते चित्र होते हैं, मैं बताता हूँ कि जो लड़की है वो शर्मा कैसे खड़ी, उसकी आंखों में लाल लाल डोरे हैं, लाल डोरे होते ना जो ये जिससे साफ पता चल रहा है कि बंदी एक्सप्रेस करे इस डोरों में ग्रुप दीज डेज आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ सेक्स बट आई डोंट वांट टू थिंक थिंक दिस बिकॉज मुझे शर्म आती है।